जैसा कि इस एक छोटे से मॉडल में आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत तरह की आकृतियां हैं। आइए अब मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा कि सर्वांगसम आकृतियां कौन सी होती हैं और समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। सबसे पहले ये दो वृत्त हमारे पास हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको यदि मैं एक दूसरे के ऊपर रखता हूं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं, यानी इनकी त्रिज्या, इनका क्षेत्रफल एक दूसरे के बिल्कुल समान होगा। लेकिन यदि एक और वृत्त मैं इनके साथ लूं तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि यह वृत्त पहले वाले वृत्त से बड़ा है, अर्थात इसकी त्रिज्या भी पहले वाले से बड़ी होगी और इसका क्षेत्रफल भी पहले वाले वृत्त से बड़ा होगा। लेकिन ये वृत्त दोनों दिखने में बिल्कुल एक समान है, इसीलिए इन दोनों वृत्तों को समरूप वृत्त कहा जाता है। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। मेरे पास दो वर्ग हैं, यदि हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये दोनों वर्ग बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों सर्वांगसम वर्ग हैं। इसी प्रकार से यदि एक और वर्ग मैं लूं तो यहां हम देखेंगे कि ये दोनों वर्ग देखने में तो एक प्रकार से हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस प्रकार के वर्गों को हम कहेंगे समरूप वर्ग। आइए अब हम त्रिभुजों की बात करें। मेरे पास दो त्रिभुज हैं, यदि इन दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रखा जाए तो ये आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेते हैं। इनकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। इस प्रकार के त्रिभुजों को हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुजों की सभी भुजाएं व सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यदि मैं एक और त्रिभुज लूं तो आप देखेंगे कि ये दिखने में है तो एक जैसे, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इनकी भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, दिखने में ये एक जैसे हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुजों को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। तो देखा आपने, ये छोटे छोटे से आकृतियों के जरिए हम सर्वांगसम और समरूप दोनों प्रकार की आकृतियों में फर्क पता कर सकते हैं।